हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। शिरडी में हैजा महामारी आने वाली है, उसे शिरडी से दूर रखना है। अरे तो हमें क्यों नहीं बोला? लाओ हम पीसते हैं। हाँ हाँ, हम बारी बारी गेहूं पीस देंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ठीक है, तुम पीसो, मैं आता हूं। यही हैं वो योगी राज, जिनके दर्शनों के लिए आप नीम गांव से आए हैं। प्रणाम कीजिए, कीजिए, हाँ? कीजिए, प्रणाम कीजिए, प्रणाम कीजिए। यह है वो योगी राज? हाँ, इन्हें तो हम जानते हैं। राम राम राम, क्यों नहीं क्यों नहीं, इन्हें कौन नहीं जानता। पूरे इलाके में ये मशहूर है। हम योगी राज के दर्शनों के लिए आए हैं, राहता के बदनाम द्वारिकानाथ के लिए नहीं। ये साईनाथ को क्या हो गया, किसे भगा रहे हैं? यही बोलते जा रहे हैं, चली जा चली जा, जा वापस जा, जा जा तू। प्रणाम बाबा, जा। प्रणाम बाबा। तुम लोग क्यों आए हो? तुम लोग वापस जाओ अपने नीम गांव। बाबा हम उसी के लिए आपके पास आए हैं। बाबा हमारे गांव में अचानक 4 मौतें हो गई हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं, बोलते हैं हैजा है, हमें बचाइए बाबा, हमें बचाइए। नमस्ते। नमस्ते, कहाँ से आए हो? नीम गांव से आए हैं। हमें योगीराज के दर्शन करने हैं। कहाँ मिलेंगे वो? ढूंढू। इन्हें हमारे योगीराज के दर्शन करने हैं, जरा जाकर देखो तो हमारे योगीराज ध्यान से उठे क्या? हाँ भाई जी। योगीराज बहुत ध्यान करते हैं। हाँ आइए, हम आपको दर्शन करवाते हैं योगीराज जी के। आइए, हाँ, पीछे पीछे आइए आइए आइए। राम राम राम। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, साईं को क्या जरूरत पड़ी है आटा पीसने की? क्या करेंगे आटे का? लक्ष्मी बोल रही है, इसने अपनी आंखों से देखा है। हाँ हाँ, अब मैं झूठ थोड़ी बोल रही हूँ, इसलिए तो कह रही हूँ आप चलकर द्वारका माई में अपनी आंखों से देख लीजिए। हाँ हाँ हाँ, चलो। बाबा आप ये आटा क्यों पीस रहे हैं? बेटी शिरडी में हैजा महामारी आने वाली है, उसे शिरडी से दूर रखना है। अरे तो हमें क्यों नहीं बोला? लाओ हम पीसते हैं। हाँ हाँ, हम बारी बारी गेहूं पीस देंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ठीक है, तुम पीसो, मैं आता हूं। अल्लाह। द्वारकानाथ जी, द्वारकानाथ जी, द्वारकानाथ जी, आपके भक्त आपके दर्शनों के लिए बाहर गांव से आ रहे हैं। द्वारकानाथ जी परदेसी हैं, उन पर ऐसा जादू कीजिए कि वो साईनाथ का नाम तक भूल जाए। अरे देखते जाओ, ऐसा जादू करूंगा कि सारी दुनिया देखती रह जाएगी। ये है मेरा घर।
आइए आइए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आशीर्वाद दीजिए योगीराज। यही हैं वो योगीराज जिनके दर्शनों के लिए आप नीम गांव से आए हैं। प्रणाम कीजिए कीजिए कीजिए। हाँ। प्रणाम कीजिए प्रणाम कीजिए। यह है वो योगीराज। हाँ, इन्हें तो हम जानते हैं। राम राम राम, क्यों नहीं क्यों नहीं, इन्हें कौन नहीं जानता। पूरे इलाके में ये मशहूर हैं। हाँ। हम योगीराज के दर्शनों के लिए आए हैं, राहता के बदनाम द्वारकानाथ के लिए नहीं। हमें वो चाहिए जिन्हें देखते ही गंगागीर बाबा को खंडोबा जी के दर्शन हुए थे, जिन्हें सभी शिरडी के साईं बाबा कहते हैं। अरे सुनो सुनो, आंखें खोलो, चले गए। मैं जी, ऐसा लगता है ये साईनाथ हमारी दुकान बंद करवाने वाला है। चली जा, जा शिरडी में कभी वापस मत आना। चली जा, मत आना शिरडी में। ये साईनाथ को क्या हो गया? किसे भगा रहे हैं? यही बोलते जा रहे हैं, चली जा, जा, वापस जा, जा, जा तू। प्रणाम बाबा, जा। प्रणाम बाबा। तुम लोग क्यों आए हो? तुम लोग वापस जाओ अपने नीम गांव। बाबा, हम उसी के लिए आपके पास आए हैं। बाबा, हमारे गांव में अचानक 4 मौतें हो गई हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं, बोलते हैं हैजा है, हमें बचाइए बाबा, हमें बचाइए। साईं बाबा, हम आपका नाम सुनकर आपकी शरण में आए हैं। अच्छा, तो राक्षसी नीम गांव में भी आ गई। ठीक है, ये लो, तुम मिलो और गांव में चारों तरफ फैला दो, घर घर में फैला दो, घर घर की सफाई करो। हैजा फैलेगा, महामारी फैलेगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। गांव में पानी खट्टा मत होने दो। हाँ, साफ सफाई करो, जाओ जल्दी जाओ, नहीं सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जाओ, नहीं आने दूंगा मैं तुझे। साईनाथ, वापस जा। आप क्या कर रहे हैं? राक्षसियां आ रही है, राक्षसियां। कौन राक्षसियां? मच्छरों के रूप में, मक्खियों के रूप में। उन्हें पैदा मत होने दो कोते पाटिल, हैजा फैलेगा, महामारी आ जाएगी। उन्हें पैदा मत होने दो, सब मिलकर उसे रोको कोते पाटिल, रोको उसे। जा कोते पाटिल, जाओ जल्दी जाओ। हाँ साईनाथ, हाँ, जा 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 यहाँ से, जा भाग। वैदी वैदी, द्वारकानाथ जी। दगड़ू, बधाई हो। अरे किस बात की बधाई हो? साई शिरडी छोड़कर जा रहा है। क्या कह रहे हो? राम राम राम, दगड़ू सच कह रहा है तू? हाँ, हमने अपनी आंखों से देखा, पूरा गांव से छोड़ने जा रहा है। आप भी चलकर देख लीजिए। चलिए चलिए चलिए, आप भी चलिए। इसे शिरडी की सीमा पर चारों तरफ डाल दो। हाँ बाबा। यह हैजे के लिए लक्ष्मण रेखा का काम करेगी, महामारी गांव के अंदर नहीं आ सकेगी। जा जा तू। राम राम जा, राम। अरे द्वारिका नाथ जी, देखिए देखिए, ये क्या नाटक चल रहा है यहाँ? जा। और ये सब क्या हो रहा है पाटिल? बोलो बोलो। शिरडी को महामारी से बचाने के लिए ये दवा तैयार की है साईनाथ ने। दूर चले जा, आसपास में हैजा फैल रहा है ना। साई बाबा की शक्ति से अब अपने गांव में हैजा नहीं फैलेगा। अच्छा। अरे चुप रहो मूर्खों। साईं बाबा की शक्ति पर भरोसा करते हो तो मरोगे ही मरोगे। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना पाटिल? महामारियां ऐसे रुकती हैं क्या? अरे जो साईं कर रहा है सिर्फ अपनी बड़ाई जताने के लिए कर रहा है। चली जा। अरे बीमारी है कहाँ?
शिरडी में हैजा है कहां जिसे हटा रहे हो? चली जा, जा, चली जा। मैं तुझे शिरडी में नहीं घुसने दूंगा। जा, चली जा, दूर हो जा मेरी शिरडी से। जा, 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 जा। मालिक, तेरा लाख लाख शुक्रिया। अब शिरडी में कोई डर नहीं, अब शिरडी में कोई खतरा नहीं है। अगो भाई, मतलब अब शिरडी को हैजा महामारी का कोई डर नहीं? नहीं, कोई डर नहीं। अल्लाह, आले तो मुठे मेले नो मुर्दिया नो थू। भाईजान, अरे इस आटे की लकीर से क्या होगा? ठीक कहा वैद्य जी, इस आटे की सीमा रेखा को मैं और आप लांग कर दिखाएंगे। ना 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 ना, हमें जाने की क्या जरूरत है द्वारिका नाथ जी? हाँ। हाँ। ये ढोंडू टगड़ू कब काम आएंगे? हाँ? हाँ। नहीं। जाना तो तुम दोनों को पड़ेगा ही। गुंडा जी शिवाजी जी। हाँ। चलो, 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 अरे अरे मूर्खों, अरे अरे छोड़ो, अरे बहन, राम राम राम। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। देखा द्वारिका नाथ जी, उस ढोंगी का प्रताप, कुछ नहीं हुआ उन्हें। मैं ना कहता था कि कुलकर्णी जो कहता है वो सोला ने सच कहता है। राम राम राम। दगड़ू ढोंडू, चल चल ढोंडू चल। ढोंडू तू ठीक हो गया? हाँ, मुझे भी लगता है मैं ठीक हो गया। राम राम राम। मेरे तो कान पक गए हैं उसकी तारीफ सुनते सुनते। अरे सब के सब गांव वालों को यकीन हो गया है कि साईं ने बीमारी को रोक दिया है। वैजी, कानों सुनी नहीं कह रहे हैं, आंखों से देख कर आए हैं। हाँ, औरतें चक्की पीसते पीसते गीत गाती हैं। साईं मेरी माई, साईं मेरी माई, साईं द्वारकानाथ जी, द्वारकानाथ जी, आपके लिए कभी किसी ने गाना नहीं गाया, लेकिन साईं बाबा के हिंदू ही नहीं मुसलमान भी भक्त हो गए हैं। बहुत हो चुका, अब इस साईं नाथ की और जय जयकार नहीं सुन सकता मैं। राम राम राम। साईं को रोकना होगा द्वारिका नाथ जी। कैसे रोकेंगे? ऐसा कुछ कीजिए द्वारिका नाथ जी कि लोग साईं को पत्थर मारें। मारेंगे वैद्य जी, जरूर मारेंगे। हमको तो नहीं मारेंगे ना? हाँ।
हम अक्कलकोट जाएंगे वैजी। राम राम राम, शिरडी को छोड़कर? नहीं वैजी, अक्कलकोट निवासी स्वामी समर्थ के साक्षात्कारी भक्त आनंदनाथ महाराज की शरण में जाएंगे हम। अक्कलकोट श्री स्वामी समर्थ महाराज की जय। प्रणाम महाराज। प्रसन्न भव। मैं द्वारिकानाथ आपके पास एक विशेष अभिप्राय से आया हूं। अवश्य आइए। आनंदनाथ महाराज तो बड़े तेजस्वी लग रहे हैं। कहीं हमारी चोरी पकड़ी गई तो? वीरा जी, आप लोग कहां से आ रहे हैं? शिरडी से। शिरडी से आपके दर्शन करने आए हैं आनंदनाथ महाराज। आनंदनाथ महाराज, हमारे गांव में एक ढोंगी पाखंडी ने आकर डेरा डाल दिया है। सारा गांव उसके माया जाल में फंस गया है। एक आप ही हैं जो हमें उससे बचा सकते हैं। राम राम राम, वो अपने आप को भगवान समझता है। हाँ। ऐसे ढोंगियों के कारण ही ईश्वर के प्रति अनास्था बढ़ती है। वो सम्मोहन विद्या जानता है, उदी देकर लोगों की बीमारी ठीक करता है। उदी कुएं में डालता है तो कुआं पानी से भर जाता है। चमत्कारी है। हर समय अल्लाह मालिक कहता है। राम नवमी मनाता है। राम राम राम। लोगों से अपनी आरती करवाता है। जय जयकार करवाता है अपनी। जय साईनाथ, जय साईनाथ। हाँ, इस तरह लोगों से जय जयकार करवाता है। हाँ, तात्पर्य ये है कि वो लोगों की भावनाओं से खेल रहा है। महाराज, अब आप ही उसका खेल खत्म कर सकते हैं। अब हमारी शिरडी का उद्धार आप ही कर सकते हैं महाराज। ठीक है, मैं शिरडी आऊंगा। कब आएंगे आप? आप जल्दी शिरडी आइए और उस साई को शिरडी से भगाइए। हाँ। भगवान अल्लाह रब यीशु सब हमारे दिल में रहते हैं। फिर भी इंसान भगवान की खोज में भटकता है। लेकिन पश्चाताप से दग्ध होकर इंसान जब अपने दिल में झांकता है, उसे भगवान के दर्शन होते हैं। पहले तो अपने दिल में भगवान को देखकर चकित होता है और जब वो अपनी आंखें खोलकर देखता है, उसे अपने भगवान के साक्षात दर्शन होते हैं।
साईं बाबा को प्रणाम कर रहे हैं? एक ढोंगी को? राम राम राम। नहीं, आपकी आंखों को एक हीरे की पहचान नहीं है, ये तो एक अनमोल हीरा है। देखिए द्वारकानाथ जी, देखिए, अपने ज्ञान चक्षुओं से देखिए, तभी देख पाएंगे कि साईं बाबा श्री अक्कलकोट स्वामी का ही अवतार है। आज साईं बाबा के दर्शन करके मैं धन्य हो गया। इसके लिए मैं आप दोनों का आभारी हूं। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज।